हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कृति फैशन डिजाइनर। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में ब्लाउज का बैकनेक डिज़ाइन बनाना बताएंगे। तो इस तरह लंबाई में रखी है 14.5 इंच, डबल फोल्ड करके 10.5 इंच, और शोल्डर लिया है इसका 5.5 इंच। डीप ने गले पर ये डिजाइन है। अब वस्त्र और कपड़े दोनों पर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह हमें सिलाई लगा कर इसे तैयार कर लेना है। उसके बाद हमें गले की कटिंग करनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह से हमें दोनों पर को जोड़कर तैयार कर लेना है। डीप नेक के अकॉर्डिंग हमने नाप लिया है। लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। उसके बाद इस तरह से सिलाई लगाकर इसको तैयार कर लें। उसके बाद गले की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, हमने ये सिलाई लगा ली है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा आएगा उसे कट कर देंगे। लाइनिंग के बाहर जितना भी कपड़ा आएगा उसको कट कर लेना है। तो ये हमने कटिंग कर ली। अब इसको फोल्डिंग करेंगे बराबर से और सेंटर लाइनिंग निकालेंगे। ये देखिए, इस तरह से निकालना है। अब गले की कटिंग करना है। गले की चौड़ाई 2.5 इंच और 10.5 इंच इसकी लंबाई ली है। अभी चौकोर पहले इस तरह बना लेना है, फिर एक तरफ से हमें राउंड देना है। तो ये हमने राउंड दे दिया। राउंड वाली साइड से ये 1.5 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे। तो हमने 1.5 इंच पर एक्स्ट्रा मार्क किया। अब यहाँ से मिला देंगे इसे। अब ये पूरे पर हमने 2-2 इंच पर मार्क किया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब 2-2 इंच पर इस तरह से हल्की सी गोलाई देते हुए शेप देना है, इधर भी और इधर भी। तो ये हर तरफ से कर लिया है। अब इसकी कटिंग कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से इसकी कटिंग कर लेना है। अब दोनों, अब इसे लाइनिंग वाले कपड़े पर रखते हुए फोल्ड करते हुए सिलाई डालना है। तो ये हमें जो ये गला कट किया है इसको इस तरह से तैयार कर लेना है। ये हमने कर लिया। अब देखिए, इस तरह से सिलाई लगानी है गले पर, पूरे गले पर जैसे हमने निशान किया हुआ है बिल्कुल वहीं से सिलाइयाँ इस तरह लगानी है। अभी राउंड वाली साइड से हमने देखिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो उस पर डिजाइंस रहेगी। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसको सिलाई लगाई। अब इधर से भी सिलाई डालेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस तरह सिलाइयाँ पूरे पर हमें लगाकर इसको कंप्लीट करना है। तो ये सिलाई देखिए, इस तरह से लगा ली। सिलाई लगाने के बाद अब इसकी हमें कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह इसकी कटिंग कर लेना है। तो हमने इसे कट कर लिया। पूरे पर कट लगाएंगे। तो ये देखिए, कट लगाया। अब इसको पलटना है अच्छे से, कपड़े को निकालते हुए पलट कर ऊपर से एक सिलाई लगा कर इसे कंप्लीट करना है। तो ये देखिए, इस तरह से पलट लेना है। पलटने के बाद हमें ऊपर से एक सिलाई लगाना है। देखिए, स्पीड थोड़ी ज़्यादा रखेंगे, फटाफट ये डिजाइंस बनाना बताएंगे, ताकि आपको समझ सारा कुछ क्लियर भी कर रहे हैं, ताकि समझ में भी आ जाए और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो और अच्छे से डिजाइन समझ में आ जाए। तो ये देखिए, इस तरह से सिलाइयाँ डालनी हैं। तो ये हमने ये सिलाई डाली। सिलाई डालकर इस तरह में गला कंप्लीट किया। अब डिजाइंस के लिए राउंड वाली साइड जो हमने एक्स्ट्रा लिया है उस पर डिजाइंस के लिए हमें इस तरह से पट्टी कंप्लीट करनी है। ये सीधा कपड़ा लिया है। अब दोनों तरफ से फोल्ड करते हुए किनारे वाली साइड से सिलाई इस पर डालकर पट्टी को रेडी करना है। तो ये देखिए, इस तरह से पट्टी रेडी करना है। उसके बाद इसे कट करना है। अब 2-2 इंच की कट कर लेंगे। सिलाई के लिए भी एक्स्ट्रा लेना है। उसके बाद लेना है न्यूज़पेपर, और पेपर पर इसको देखिए इस तरह से निकालना है। अब यहाँ से फिर 1.5 इंच पर मार्क करते हुए ये गोलाई दे देना है। अब यहाँ से डिजाइनें रहेंगी, ये राउंड वाली साइड डिजाइंस रहेगी। अब ये पट्टी जो हमने कट की है इस तरह इसको लगाना है। अब जितनी चौड़ी पट्टी है उतना ही बीच में हमें छोड़ना है और फिर दूसरी रखना है। इसी तरीके से करते हुए पूरे गले पर इसको लगाना है। तो ये देखिए, इसको लगा लिया। पाइपिंग पट्टी लेना है। अब पाइपिंग इस पर बनाएंगे। तो ये देखिए, एक तरफ से मोड़ते हुए पट्टी पर सिलाई डाली। अब हमें पाइपिंग रेडी करना है। तो ये पेपर भी कट कर देंगे और सिलाई के बाहर जो कपड़ा है उसे भी कट किया। अब हमें पाइपिंग बनाना है। ये गले वाली तरफ है, जिस साइड पाइपिंग बनाएंगे ये साइड गले की तरफ रहेगी। तो ये देखिए, इस तरह से पाइपिंग हमें रेडी करना है। ये पाइपिंग हमने बनाई। पाइपिंग बनाने के बाद अब इधर से भी सिलाई लगा देंगे। इस साइड से हमने सिलाई नहीं लगाई थी, सिलाई लगा देंगे ताकि गले पर लगाते समय बिल्कुल बराबर से ये डिजाइनें लगें। अब यहाँ से रखना है। देखिए, ये राउंड वाली साइड मिलाकर इसको रखेंगे अच्छे से और इस तरह से इसको लगाते जाना है।
हाफ राउंड गले पर ये बहुत ही प्यारा सा डिजाइन सा आप इस तरह बना सकते हैं। काफ़ी आसान तरीका हमने देखिए इस तरह से बनाना बताया हुआ है। अब यहाँ तक देखिए डिजाइनों को लगा लिया है। डिजाइन लगाने के बाद पेपर को निकाल देना है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह से पेपर निकल जाएगा बहुत ही आसानी से। तो हमने पेपर को निकाला, आप दोनों प्लेट्स डालेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैं प्लेट्स इसके डाल देने हैं, जैसा कि हमने ये दोनों प्लेट्स डाल लिया। अब हमें देखिए इस तरह से लेना है कपड़ा, ये हमने लिया है 3.5 इंच का चौकोर लिया है। अब इस तरह चारों तरफ से इस पर सिलाई डाली, सिलाई डालने के बाद बीच में हमें एक छोटा सा कट मारना है और इस तरह से इसको पलट लेना है। कट हमने सिर्फ लाइनिंग वाले कपड़े पर मारा है जो कि हमने लगाया हुआ है इस पर, और इस तरह से पलट लिया। पलटने के बाद अब हमें क्या करना है, देखिए इस तरह से लेना है हमें ये गोल्डन डोरी लिया है। अब चारों तरफ से ये किनारे से इसको लगा देंगे, चाहे इस तरह से इसे लगाने के बाद अब इस तरह फोल्ड करते हुए यहाँ पर छोटा सा कट लगाएंगे ताकि ये डोरी इसमें जा सके। और फिर इस तरह से चारों तरफ से एक एक दो सिलाई डालेंगे सीधी सीधी, इस तरह लटकन बना लेंगे, लटकन लगा देंगे। लटकन हमारी तैयार हो गई है। अब यहाँ से देखिए इस तरह इस पर मोती लगा देंगे। मोती लगाने के बाद ये डिजाइन हमारा तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप हाफ राउंड गले पर डिजाइन बनाकर तैयार कर सकते हैं। डिजाइन अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि